हे गाइस वेलकम यू। कल हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो हैशटैग था सारा दिन ट्रेंड कर रहा था और बहुत सारे ट्वीट्स को डिलीट भी किए गए थे। उसके बावजूद ही हमारा जो हैशटैग था वो क्या कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था। यार इन सब चीज़ों का करने का पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमें एक सही रिजल्ट चाहिए। जो CBT 1 स्क्रीन नेचर है उसको एक कॉमन रिजल्ट की तरह ही पेश करना चाहिए, ना कि पोस्ट वाइज। और जो तुम्हें पता ही है जो कि यार जो अप्रॉक्स 2.5 लाख बंदे ही सेलेक्ट हुए हैं, ना कि 7 लाख बंदे सेलेक्ट हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा, वो इसलिए ही हुआ है कि गलत तरीके से रिजल्ट को बनाया गया है। राइट, सो गाइज देखो, ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे कल फिर से एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है, क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा ऐसा क्यों है। जैसे वही चीज़ें बातें घुमा फिरा के कह रही है कि ना लाइक यार हम जैसे कि 20 टाइम्स सेलेक्ट किए हैं और सभी हमने नोटिस में ये चीज़ मेंशन किया दिस और दैट करके, तुम उसको ऑफिशियल दिया हुआ है तुम जाके पढ़ सकते हो। राइट, सो ऐसे रेलवे रिजल्ट देने के मूड में नहीं लग रही है, टाइम पास करी कि ऑलरेडी भी 19 और 14 से 18 के बीच में जो CBT 2 होना है वो भी रिजल्ट, वो भी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो रेलवे को स्टैंड लेना ही होगा, रेलवे को स्टैंड लेना ही होगा। मुझे लग रहा है रेलवे टाइम पास कर दिए कि एक ही दिन या ना जस्ट टाइम आ जाए और हम करा दें और फिर ना कुछ कोई क्या कर लेगा, है ना। तो यही है यार, देखो क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है या नहीं। जो कल डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था, फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में भी टीचर्स देख रहे हैं और बंदे भी देख रहे हैं। इट्स नॉट मैं या तुम नहीं समझ, एक कॉमन सभी डिसाइड करेंगे। राइट, सो यार एक कुल मिलाकर कहने का मतलब एक सही रिजल्ट दे दो यार, इतना तामझाम क्यों करना है ना। तो बात समझ में आ गई है, समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर दो यार, और लाइक भी कर दो। हैव अ ग्रेट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट।